पुलिस महानिरीक्षण डॉक्टर हरीश कुमार रंगा ने कहा कि आज तक कोई ऐसी साइंस नहीं बनी जिसमें कृत्रिम रक्त बनाया जा सके। रक्त को सिर्फ इंसान दान कर दूसरों की जरूरत को पूरा कर सकता है। डॉक्टर रंगा शुक्रवार को उमंग समाज सेवी संस्था द्वारा ओरेन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस के तीसरे स्थापना दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। शिविर में बतौर विशिष्ट अतिथि नाबंडर के डीडीएम डॉक्टर आरएस मोर ने शिरकत की। डॉक्टर रंगा ने रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के रक्तदान शिविर समय समय पर लगते रहना चाहिए और युवाओं को इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आज हमारे यहाँ ओरेन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस कुरुक्षेत्र में उमंग समाज सेवी संस्था के साथ मिलकर ब्लड कैंप लगाया गया है और यहाँ पे काफ़ी उत्साह देखा हमारे स्टूडेंट्स का भी और बाहर से भी काफ़ी डोनर आए हैं। बहुत उत्साह था सबका कि ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है और इनमें फर्स्ट टाइम एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर विनोद की टीम ने 41 यूनिट रक्त संग्रह किया। नंबाडर के डीडीए डॉक्टर आरएस मोर ने कहा कि रक्त मनुष्य ही दान कर सकता है, ऐसे में किसी के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान जैसी छोटी सी आहुति सभी को डालते रहना चाहिए। ये जो रक्तदान शिविर यहाँ उमंग समाज सेवी संस्था है जिसके पीठाधीश देवीलाल जी है और ओरेन जो स्कूल ऑफ वेलनेस एंड ब्यूटी इसके डायरेक्टर देवेंद्र सर हैं, तो आज यहाँ जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है मैं बिल्कुल मुझे एक हार्दिक खुशी है कि इनकी थर्ड एनिवर्सरी है इस ब्यूटी स्कूल की। तो इन्होंने मतलब कोई और कार्यक्रम ना करके अपने इस थर्ड एनिवर्सरी को रक्तदान शिविर लगा कर मनाया है। मैं अपनी ओर से इनको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और इनके बिजनेस की और इनके स्कूल की बहुत आगे बढ़ने की कामना करता हूँ। और देवीलाल जी जो उमंग समाज सेवी संस्था है मैं बहुत पुराने मेरे साथी हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे रक्तदान शिविर समय समय पर लगते रहने चाहिए और मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी रक्तदाताओं को। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।